हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रेखा। कुकिंग विद रेखा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चावल की खीर की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैं आपको चावल की खीर बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाना बताऊँगी, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1.25 लीटर दूध और 1 गिलास पानी। क्योंकि हमारा दूध काफ़ी गाढ़ा है, इसलिए हम इस 1 गिलास पानी को इस दूध के अंदर डाल देंगे। अब हम इसे गैस पर गर्म होने के लिए रख देंगे। अब हम हमारे दूध को अच्छे से बॉईल करेंगे, जब तक कि इसमें 1 से 2 उबाल ना आ जाए। उसके बाद हम इसमें चावल डालेंगे। 1.25 लीटर दूध के अंदर मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप चावल। ये बासमती चावल है, आप चाहे तो कोई से भी चावल ले सकते हैं, पर बासमती चावल बेस्ट होते हैं खीर के लिए। अगर आप बाउल से नापना चाहें तो ये लगभग आधा कटोरी चावल है। अब हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे, उसके बाद हम इसे खीर में डालेंगे। हमारे दूध में अच्छे से बॉईल आ चुका है। अब हम इसके अंदर राइस डाल देंगे, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। राइस डालने के बाद हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। हर 2 से 3 मिनट में हमें इसे चलाते रहना है, ताकि ये नीचे चिपके ना। इसे बनने में लगभग 35 से 40 मिनट का टाइम लग जाएगा, क्योंकि हम इसे काफ़ी धीमी आंच में पकाएंगे। हमें दूध में पानी ऐड करना भी ज़रूरी होता है, वरना खीर बनने की जगह ये शेक बन जाएगा। अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे ये 10 से 12 केसर के तार। इससे हमारे खीर का कलर जो है वो काफ़ी अच्छा आएगा, और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस लगेगी। इसका फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसे भी हम लगभग 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे लो फ्लेम पर। मैंने यहाँ पर ली है 1 बॉल शुगर, और ये वही बॉल है जिससे कि हमने राइस को मेज़र किया था, और 1 टेबल स्पून खोपरे का बुरादा या सूखा नारियल पाउडर भी बोल सकते हैं। अब हम शुगर और खोपरे के बुरे को खीर के अंदर डाल देंगे। शुगर कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर शुगर ऐड कर दी है, अब मैं इसमें खोपरे का बुरादा ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से हिला लेंगे। अब हमारी खीर में ड्राई फ्रूट्स ऐड करने का टाइम आ चुका है। मैं इसमें ऐड करूँगी ये 10 से 15 पिस्ता, 1 से 2 काजू, जिसे कि मैंने बारीक कट करके रख लिया है। हमारी खीर को पकते हुए लगभग 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ये ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, बट इसमें सिर्फ केसर और पिस्ता का टेस्ट ही अच्छा लगता है पर्सनली मुझे। अब हम इसे अच्छे से हिला देंगे और इसे लगभग 5 मिनट तक और बॉईल होने देंगे। आप देख सकते हैं हमारे खीर का टेक्सचर। हमें इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि खीर का नेचर होता है ये 1 घंटे 2 घंटे बाद ऑटोमेटिक ड्राई हो जाएगी, इसलिए हमें इसे थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है। अब सबसे लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी ये 2 इलायची का पाउडर। इससे हमारी खीर में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। केसर और इलायची की खुशबू खीर के अंदर बहुत ही अच्छी लगती है। आप चाहे तो इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं, बट पर्सनली मैं इसे लगभग 1 घंटे बाद खाना पसंद करती हूँ। अब मैं इस खीर के ऊपर ढक्कन लगाकर रख दूँगी लगभग 1 घंटे के लिए। एक
एक घंटे बाद आप देखेंगे कि हमारी खीर जो है वो काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए हमारी खीर को लगभग एक घंटा हो चुका है, हमारी खीर जो है पहले से काफ़ी गाढ़ी हो गई है और उसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। अब हम इसे अच्छे से हिला लेंगे। आप चाहे तो इसे फ्रिज में रखकर भी खा सकते हैं, फ्रिज में रखने के बाद भी यह बहुत ही टेस्टी लगती है। या तो आप इसे बिल्कुल चिल्ड करके फिर खाएं, या फिर कुनकुनी गर्म होने पर ही खाएं। अब हमारी खीर खाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। आप देख सकते हैं हमारी खीर जो है कितनी डिलीशियस लग रही है, ये दिखने में ही नहीं बल्कि खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसको ज़रूर ट्राई करें। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।